हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन OB38 मेगा लीक पार्ट 4। तो गाइस, मैंने पहले वीडियो में बहुत सारे मेगा लीक्स दिए, पार्ट 1, 2, 3 बनाया, उसके अलावा कलेक्शन का रिव्यू किया। तो कलेक्शन का रिव्यू था अधूरा, क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो वो चीज़ें जो क्लियर नहीं थी वो मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ जो कोई, और ये पार्ट है 2 कलेक्शन का। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा विद डिटेल। कुछ चीज़ें हमने देखी होंगी लेकिन फिर भी वो अधूरी होंगी क्योंकि रॉयल राय ने कुछ नहीं बताया। तो अभी आपको बताएगा रॉयल राय भाई सब कुछ इस गेम में जो होने वाला OB38 के बाद कलेक्शन के रिगार्डिंग, इवेंट्स के रिगार्डिंग सब कुछ। तो भाई लोग, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द गेम। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पहली बार आयो जिकर तो ज़रूर करना है, और कमेंट में मुझे अपना रिएक्शन भी देना है कि कैसी लगी वीडियो। तो भाई लोग, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी लॉबी से। तो यहाँ पे आपको टॉप पे जो दिखाई दे रही है भाई, ये अपनी लॉबी होने वाली है। काफ़ी ओपी सी लॉबी लग रही है, मुझे लग रहा है ये अपना हॉरिजन के थीम पे जो इवेंट शिवेंट होगा उसके थीम पे है, या फिर अपना जो होगा जो मोनटोन ऑर्गाना है यार, उसका क्या नाम है, मॉनसून ऑर्गाना, उसके थीम पे होगा। इसके अलावा नीचे चले गए भाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पॉन आइलैंड, जो कि पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। ये आई थिंक बुया पास में भी था, बुया डे में भी था, उसके अलावा FFWS में भी इसको यूज़ किया गया था। तो इसी को जस्ट रीकलर करके दोबारा से लॉन्च किया जाएगा। तो आप इसमें देखते हैं बैटल इन स्टाइल इसके ऊपर लिखा है, और ये अभी न्यू थीम पे होगा। उसके अलावा भाई बात करें अपने क्लैब की, तो भाई फ्री फायर ने क्लैब एक जो लीक हुआ है अभी वो है डेविल मे क्राई, एक गेम है भाई, उसके साथ क्लैब किया है। उसका 5वां सीज़न आ रहा है, मतलब 5वां पार्ट आ रहा है, तो उसके साथ इन्होंने कर लिया है क्लैब। तो यहाँ पर आप इसका लोगो देखते हैं, ओरिजिनल बैनर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको तीन बंदे दिखाई दे रहे हैं, नीचे अपना लोगो लगा हुआ है उस गेम का। तो नीचे हम आपको दिखाते हैं गेम में क्या कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आप दो बंडल्स देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों आपको गेम में बंडल्स मिलेंगे, और इनके हाथ में जो पिस्टल्स आपको दिखाई दे रही है ये पिस्टल्स भी गेम में होंगे। मे बी ये इसकी जो पीछे तलवार लटकी हुई ये तलवार भी होगी। तो इसके अलावा यहाँ पे नीचे चलते जाते हैं, तो ये देखिए आप बंडल्स का लुक देख सकते हैं जो कि गेम में लुक होने वाला है। जो ये रेड वाला बंडल है इसमें तो मेरे ख्याल काफ़ी ओपी सा एनिमेशन ऐड करने वाला है, क्योंकि इसको उन्होंने हाई टायर का निशान बनाया हुआ है। और आपको जो मैं पिस्टल बता रहा हूँ, देखिए पिस्टल्स का एक क्रेट आपको शो हो रहा है, जिसमें थोड़े से लॉन्ग फेस वाले, मतलब जिनका थोड़ी सी नोक सी जो है बढ़ी हुई है, वो आपको पिस्टल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये क्रेट में दिखाई दे रहे हैं। तो ये जल्दी जल्दी हमें मिलेंगे, लेकिन पॉसिबल है कि ये दोनों के दोनों बंडल्स में पेड होंगे, इनमें से कोई बंडल भी फ्री नहीं होगा, हमें किसी और थीम का फ्री बंडल मिलेगा इस इवेंट के दौरान। उसके अलावा बात करें अपने दूसरे इवेंट की, तो भाई जो OB38 में मैंने बताया ट्रेंड प्लस का न्यू ब्रांड लॉन्च हो रहा है मोनसून ऑर्गाना, तो पॉसिबल है कि ये अपना सेकंड मेगा इवेंट होगा। और इसके अलावा कोई और भी मेगा या मिनी इवेंट्स होंगे जिनके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन वो भी मैं बताता जाता हूँ सारा। पूरी वीडियो पूरी बस देनी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मोनसून ऑर्गाना यहाँ पर लोगो आप देखते हैं, उसके अलावा म्यूजिक CD भी आ रही है इसके थीम पर, क्योंकि ये इवेंट है, मतलब लॉन्च इवेंट है, जैसा पोटेंशियल के लिए हमें बुया डे बनाया गया और पोटेंशियल एक मेगा इवेंट था, उसी तरह मोनसून ऑर्गाना भी एक मेगा इवेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हैं, मतलब ये लोडिंग स्क्रीन आप कह सकते हैं या बैनर देख सकते हैं, कह सकते हैं मोनसून ऑर्गाना का, जिसमें आपको हयातो दिखाई दे रहा है और दूसरे दो तीन करेक्टर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कुछ ड्रेसेज पहने हो। तो ये ड्रेसेज, ये जो बंडल हैं, ये हमें गेम में दिखाई देंगे। उसके अलावा बात करें तो ये एक लोडिंग स्क्रीन मुझे लग रही है कि मोनसून ऑर्गाना की कोई लोडिंग स्क्रीन। तो यहाँ पर भी आप हयातो को देख सकते हैं, और एक फीमेल अपनी पता नहीं कौन सी कपेला या क्या जो भी है, तो ये भी आपको दिखाई देगा। उसके अलावा यहाँ पे बलून की स्किन भी दिखाई दे रही है इस इवेंट के रिगार्डिंग जो होगी, और उसके अलावा एक पेट की स्किन भी दिखाई दे रही है जो कि फॉल्कन की। उसके बाद नीचे चले तो भाई, मैं आपको जैसे बता रहा था पहले ही, तीन बंडल मैंने पहले बता दिए कि भाई मोनसून ऑर्गाना के जो थे वो एक वाइट टर्टल नेक है, ब्लैक टर्टल नेक है, और उसके अलावा एक पुराना बंडल है जो कि OB37 में लॉन्च होना था लेकिन पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद तीन बंडल जो हैं वो OB38 में ऐड किए गए हैं। यहाँ पे आपको तीनों बंडल देख सकते हैं जिनका आपको ऊपर इमेजेस देखिए, ये 6 टोटल बंडल हैं जो, और ये ऊपर वाले तीनों हैं यानी कि वाइट टर्टल, ब्लैक टर्टल, ये रीलॉन्च हो सकती हैं इस इवेंट के दौरान। तो उसके अलावा अभी इस इवेंट का भी मुझे नहीं लग रहा कि इनमें से कोई फ्री हो, अगर हुआ तो भाई फीमेल बंडल फ्री हो सकता है, लेकिन चांस है कि कोई और थीम का हमें बंडल फ्री मिलेगा। तो उसके बाद अभी बात करते हैं OB38 के बुया पासेज की। तो भाई बार बार लोग पूछ रहे हैं भाई बुया पासेज के बारे में बताओ, बुया पासेज के बताओ, तो मैंने बोला अभी वो बता ही दूँ भाई। मैंने नाम तो इनके रिवील किए थे, लेकिन अभी इनके बंडल्स और बाकी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया भाई, फरवरी वाला जो है उसका जो थीम होगा वो एलिगेटर होगा, और बुया पास का नाम होगा फेटल फौना या फिर एलिगेटर। उसके अलावा जो दूसरा होगा यानी कि मार्च वाला सीज़न 3 होगा, उसका नाम होगा बायोनिक ट्रूप या फिर साइबर मैक, इस तरह करके नाम होने वाला है। तो ये दोनों के आपको उनको लोगो देख सकते हैं जो कि हमें इन गेम लोगो दिखाई देंगे, उनका जो बॉक्स होता बना हुआ वो उसका लोग देख सकते हैं। उसके बाद बंडल्स की बात करें तो भाई यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं अपना सीज़न 3 होगा मार्च वाला, उसका मेल बंडल और फीमेल बंडल आप देखते हैं। उसके अलावा उनके एनिमेशन का जो लोगो है वो बना हुआ है, या आप देखते हैं कोई मतलब
पता नहीं क्या है ये शर्ट कैसे, जो टॉप है ना, टॉप के दोनों एनिमेशन है, टॉप जब आप पहनेंगे तो ये एनिमेशन शो होंगे। उसके लिए आपको टोकन दिखाई दे रहे हैं जो कि बंडल अपग्रेड के हैं, क्योंकि आपको बताया कि टेलर शॉप का बंडल होगा, यानी कि मिनी लेजेंडरी बंडल आप कह सकते हैं इनको। तो मिनी लेजेंडरी बंडल हमें दो मिलने वाले हैं, जो कि एक होगा सीजन टू का और एक सीजन थ्री का। तो आप ये सीजन टू वाला पहले वाला आप देख सकते हैं, उसका सा क्रेट है जिसमें से आप इसके टोकन मिलेंगे। उसके बाद बात करें अभी नीचे, तो यहाँ पे एलिगेटर वाला आप देख सकते हैं, एलिगेटर वाला बंडल है, उसके बाद उसका फीमेल बंडल है, उसके बाद दोनों का एनिमेशन आप देख सकते हैं जो कि आपको टॉप में दिखाई दे रहा है। ये मेल में टॉप एनिमेशन होगा, फीमेल के साथ ये एनिमेशन नहीं होगा। उसके बाद भी आपको टोकन मिल रहे हैं जो कि अपग्रेड वाले होंगे, या उसके ऊपर एलिगेटर बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, बॉक्स के ऊपर भी एलिगेटर बना हुआ है। उसके बाद नीचे चलते हैं भाई, बात करते हैं ओबी 38 के सिलेक्टेड के थीम के बंडल की। तो भाई ये बेसिकली बंडल तो काफ़ी पुराना है, उसको रीवर्क कर करके, उसको मूव कर करके सिलेक्टेड थीम में डाल दिया है, और अभी ग्रीना पॉसिबल है कि ओबी 38 में लॉन्च करेगी, क्योंकि इसके थीम की काफ़ी आइटम्स बनाई हैं। यहाँ बंडल देखते हैं, काफ़ी ओपी बंडल है, और मुझे कोई ड्रैगन का थीम लग रहा है इसमें, तो काफ़ी मुझे फायर शायर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी देखेंगे इसका जब रिव्यू आएगा। पार्ट बाय पार्ट भी आप लुक देख सकते हैं इस बंडल का, सिलेक्टेड थीम का बंडल है तो आपको पता हाई टायर बंडल होता है, इसलिए आपको पीछे हाई टायर का साइन भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इसके थीम पे यहाँ पे एक गन की स्किन है, मुझे तो या तो ये AK है या फिर AN-94 है, 100% श्योर नहीं हो कि ये कौन सी, और काफ़ी OP है भाई, हाई टायर गन लग रही है, क्योंकि आपको पता है वैसे भी सिलेक्टेड थीम की जितनी आइटम्स होती है वो हाई टायर होती हैं। उसके अलावा आपको कटानिक स्किन दिखाई दे रही है, काफ़ी OP सी स्किन है। उसके अलावा आपको लूट बॉक्स है या फिर ग्रेनेड है, मेरे ख्याल तो लूट बॉक्स है। उसके अलावा दो आपको दिखाई दे रही है भाई यहाँ पे ग्लू वॉल्स, ब्लू और रेड, या तो ये भाई कलर चेंजिंग बिल्कुल ग्लू वाल होगी या फिर दो ग्लू वाल्स होंगे। उसके आपको हेड का कलर दिखाई दे रहा है जो सिर्फ रेड है, मतलब हेड हमें सेपरेट मिलेगा। उसके बाद बैकपैक की स्किन दिखाई दे रही है आपको। तो भाई लोग इसके बाद बात करते हैं ओबी 38 के बंडल्स की। मैक्सिमम बंडल जो थे मैंने पिछली वीडियो में अपनी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने इसमें जस्ट वो डाले हैं जिन बंडल्स को मैं पिछली वीडियो में नहीं दिखा सका, तो इसलिए मैं आपके कम में थोड़े से बंडल आपको दिखाऊंगा। बाकी बंडल्स के लिए आपको दूसरी कलेक्शन वीडियो यानी कि पार्ट 3 देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दो बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, पहले वाले जो एक ब्लू बैकग्राउंड है, एक पिंक बैकग्राउंड है। तो ये दोनों बंडल्स जो हैं ये अपने मार्च वाला जो बुया पास है उसका मतलब कि अपग्रेडेड वर्जन बंडल्स हैं, यानी कि तीन कलर में होगा ना बंडल, जैसे कि अभी हमारा करंट बंडल जो है वो भी तीन में, उसी तरह हर बुया पास में तीन कलर में बंडल्स होगा, मेन जो बंडल होगा तो उसका ये दोनों कलर हैं, पिंक और जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये अपना बुया पास है मार्च का। उसके साथ आपको जो राइट साइड पर बंडल दिखाई दे रहा है ये अपना करैक्टर है, करैक्टर का यूनिक जो बंडल होता है अपने सेंटिनो करैक्टर का, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, फोटो भी अपलोड कर चुका हूँ। उसके अलावा नीचे आप देखें दो बंडल आपको फिर दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें भी से एक ब्लू सा, एक का बैकग्राउंड, एक का येलो सा है। तो ये जो है अपना, ये अपना एलिगेटर वाला जो इनक्यूबेटर का बंडल है, मेन बंडल जो उसके अपग्रेडेड वर्जन हैं, यानी कि जब आपको टोकन से अपग्रेड करेंगे तो उनका कलर चेंज होकर इस तरह के कलर हो जाएंगे और लुक कुछ इस तरह की लगेगी। तो ये बंडल है भाई अपना फरवरी वाले बुया पास का, यानी कि एलिगेटर वाले बुया पास का। उसके साथ आपको फिर राइट साइड पर अपना जो वो क्या नाम है सेंटिनो करेक्टर है उसका जो इम्बलम है मतलब कि बंडल का वो शो हो रहा है। उसके अलावा नीचे चले भाई यहाँ पे तीन बंडल हैं, ये तीन बंडल मतलब पहले पिछली वीडियो में मैंने ऐड नहीं किए थे इसलिए मैं इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो यहाँ पे आपको मेल फीमेल सेम थीम का लग रहा है, अभी पता नहीं ये कौन से थीम है और किस तरह आएगा, हो सकता है इनमें से एक ये दोनों गोल्ड रॉयल बन जाएँ या फिर वेपन डायमंड रॉयल, गोल्ड रॉयल या डायमंड रॉयल होने के इनके चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। उसके अलावा राइट साइड बंडल है, हो सकता है ये किसी न किसी और वेब इवेंट का हिस्सा बने, फ्रीक नहीं होगा क्योंकि बंडल काफ़ी ओपी से लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं ओबी 38 की पेट स्किन्स की। तो भाई यहाँ पे आपको अपना जो कैक्टस पेट है उसकी टोटल चार पेट स्किन्स दिखाई दे रही है, एक ओरिजिनल स्किन है, एक फ्री स्किन है, और उसके अलावा दो जो है वो अपने इवेंट के थीम पे, एक जो यहाँ पे आपको पिंक कलर में दिखाई दे रही है, पिंक ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ये अपनी होने वाली है उसका थीम पे, क्या नाम है उसका वो डेविल मे क्राई वाला जो अपना इवेंट है उसके थीम पे। उसके अलावा ब्लैक वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपना जो मैंने बताया है मॉनसून और गाना या फिर किसी और ब्लैक थीम के इवेंट की हिस्सा बनेगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ओटेरो की स्किन दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक वाला इवेंट का होगा हिस्सा। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो ये दो अपनी दिखाई दे रही है अरवान जो पेट है उसकी स्किन एक दिखाई दे रही है, ये भी काफ़ी डिफरेंट है, पता नहीं कौन से थीम की है। उसके बाद बात करते हैं भाई ओबी 38 में आने वाले एनिमेशन की। तो यहाँ पे ओबी 38 के तीन एनिमेशन दिखाए जा रहे हैं, जिनमें से दो एनिमेशन तो मुझे लग रहा है भाई अपना जो है डेविल मे क्राई वाले इवेंट की हैं, और उसके अलावा ये मछली वाला जिसके ऊपर मछली के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है ये एनिमेशन किस थीम का है इसके बारे में मुझे कोई शॉट ही नहीं, लेकिन बाकी दोनों जो हैं वो दोनों के दोनों मुझे लग रहा है सेम इवेंट का है, यानी कि डेविल मे क्राई के थीम पे हैं। उसके अलावा बात करें अभी ओबी 38 के इमोट्स की। तो यहाँ पे आपको पहले इमोट्स एक दिखाई दे रहा है एलिगेटर डांस जो कि होगा अपना बुया पास का इमोट। उसके अलावा मेरे ख्याल में आगे जो है ये या तो इंजलिक के थीम का है या फिर अपना जो ये अपना इवेंट होने वाला है
डेविल में कराए उसके थीम का है। उसके अलावा आपके एक आगे इमोट दिखाई दे रहा है जिसमें बंदे ने पिस्टल पकड़ा, तो ये जो पिस्टल वाला है ये पॉसिबल है कि ये अपना ईवो G18 क्या ये इमोट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ एम्बलम्स हैं लेकिन मुझे नाम अभी रिवील नहीं हुआ तो मैं बता नहीं पा रहा। उसके अलावा यहाँ पे एक डांस वाला है, कुछ थप्पड़शा मार रहा है कुछ इस तरह करके, और एक बंदा जो घंटी सी बजा रहा है। उसके अलावा एक गन के साथ है जो कि मेरे ख्याल ईवो स्किन के साथ है। अभी ईवो ये कौन सी वाली ईवो का है, ये हो सकता है ईवो AC80 का हो। उसके अलावा नीचे देखें ये SS जिसके साथ लिखा है, ये अपने सेंटिनो जो करेक्टर है भाई, ये सेंटिनो के थीम का होगा। एक इमोट इसके ऊपर डबल S लगा, मुझे लग रहा है ये सेंटिनो के थीम पे। उसके अलावा जो आपको साथ में एक इमोट दिखाई दे रहा है ये है ईवो थॉम्पसन का इमोट जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा आपको एक रनिंग मोड दिखाई दे रहा है जिसमें पता नहीं कोई आलसी सा बंदा भाग करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा भाई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इमोट। भाई इमोट है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, जैसे हमने पहले देखा है कि अपने पास एक OP सा ट्रांसफॉर्मेशन में मिला है वेयरवुल्फ के थीम पे। उसके अलावा नीचे आपको भाई जो स्काई विंग की स्किन दिखाई दे रही है अपनी फिश टाइप की, और उसके साथ साथ स्काई विंग का जो अपना एनिमेशन है, इसका एंट्री एनिमेशन है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं OB38 की पिंस की, जिनमें से बैलेस्टिक कप, लाइटनिंग और फिस्ट, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, मैंने कहा दोबारा दिखा देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं OB38 की व्हीकल्स की, तो यहाँ पे चार हैं स्किन जो है कि ब्लैक थीम में, जो कि सोचता है मॉनसून और गाना या किसी और ब्लैक थीम के इवेंट का, मेगा इवेंट का रिवार्ड हो। तो पॉसिबल है ये चारों के चारों स्किन जिनमें से तीन या दो फ्री हमें मिले, जिनमें से आप देखते हैं ये अपना जो इस गन का व्हीकल का पता नहीं क्या नाम है, मुझे भूल गया, उसके अलावा टुक टुक की है और बाइक की है, उसके अलावा कार की स्किन है, चारों ब्लैक थीम पे है, तो हो सकता है मॉनसून और गाना के थीम पे हो। उसके अलावा नीचे देखें तो भाई कार की स्किन जो है मुझे एलिगेटर वाला अपना बुया पास उसके थीम की लग रही है। साथ में एक कार है बहुत OP सी लग रही है, यूनिक सा डिज़ाइन है, तो ये है भाई अपनी डेविल मेक कराई के थीम पे। उसके अलावा नीचे एक बाइक की स्किन है जो कि काफ़ी OP भाई, फुल OP है और यूनिक सा लुक है इसका, ये इस बाइक का भाई आप देख सकते हैं, तो ये भी है डेविल मेक कराई के थीम पे। सो यहाँ पे बाइक की स्किन आपको दिखाई दे रही है जो मुझे लग रहा है कि भाई अपना जो बुया पास होने वाला है मार्च वाला, ये उसके थीम पे, और साथ साथ अपनी ये एक नीचे अब देखते हैं मॉन्स्टर ट्रक स्किन, ये भी मुझे लग रहा है बुया पास के थीम पे है। उसके साथ एक अपनी अपना कोई आइसक्रीम, मतलब इसमें ना कोई एक इवेंट खाने पीने के टाइप थीम का होने वाला है, तो उसमें यहाँ पे आपको एक कार की स्किन दिखाई दे रही है जो कि बिल्कुल ही यूनिक सी लुक में है भाई, काफ़ी OP सी स्किन है। जो बात करें OB38 की ग्लू वॉल स्किन की, तो भाई ये मैंने ग्लू वॉल स्किन ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिखाई थी, तो मैं फास्ट बता रहा हूँ, स्नो स्केटर है, सीबॉग है, कैंपिना है, कॉन्फर्मेंटेशन है, कैंडी हाउस है, डेंशियो है। उसके अलावा ये चार मैंने अभी इस बार दोबारा ऐड किए हैं इसमें। यहाँ पे आपको एक पहले वाले नंबर पे दिखाई दे रही है, ये जो अपनी दिखाई दे रही है ना आपको जिस ऊपर मॉन्स्टर सा बना हुआ है, ये अपनी होने वाली है मार्च वाले बुया पास के थीम पे। उसके अलावा दो ब्लैक थीम पे, एक सेंटिनो के थीम पे होगी और एक अपनी जो अपना मॉनसून और गाना वाला मैंने बताया इवेंट, ये उसके थीम पे होगी, और चौथी पता नहीं कौन से थीम पे रैंडम सी लग रही है, हो सकता है वो G18 के थीम पे हो। उसके बाद करें OB38 की वेपन स्किन्स की, तो मैंने मैक्सिमम वेपन स्किन्स अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई हैं, कलेक्शन वीडियो आप जरूर वो भी चेक कर लिए, Part 3 जो था, तो इसमें मैं आपको जो उसमें नहीं बताई थी वो अभी दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे सेंटिनो या फिर मॉनसून और गाना के थीम पे कुछ चीज़ें देख सकते हैं। आपको मैकटन की एक हाई टायर स्किन दिखाई दे रही है, उसके अलावा जो ग्रेनेड लॉन्चर है, स्कार है, बैट स्किन है, शायद की आपको तीन स्किन दिखाई दे रही जो कि काफ़ी OP है। इनमें से एक मॉनसून और गाना के थीम पे, एक अपनी किसी वेब इवेंट के और के थीम पे, और जो एक है वो अपनी ये अपना सेंटिनो के थीम पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको पेन की स्किन दिखाई दे रही जो कि मुझे लग रहा है अपने सेंटिनो करेक्टर के थीम पे। उसके अलावा यहाँ पे एक और OP सी स्किन है भाई जो कि बनी के थीम पर, मुझे लग रहा है या तो ये MP5 है या फिर ये MAC-10 है, तो ये बिल्कुल यूनिक है भाई। कैरेट के ऊपर एक अपना जो बनी है वो बैठा है कैरेट के ऊपर, तो कैरेट के थीम पर ये कार्टूनिस्ट थीम उन्होंने गन बना रही है भाई, फुल OP डिज़ाइन किया है। उसके अलावा बात करें भाई यहाँ पे आपको कॉर्ड की स्किन दिखाई दे रही है, MA2B की स्किन दिखाई दे रही है, काफ़ी OP है। नाइफ की स्किन है जो कि भाई हो सकता है मॉनसून और गाना की हो या फिर अपने सेंटिनो की हो। दो ग्रेनेड स्किन हैं जो कि अपनी होने वाली बुया पासेस की, एक होगी जो आपको पहले वाले दिखाई दे रही है एलिगेटर वाले बुया पास की, और दूसरी जो है वो अपने मार्च वाले बुया पास की है। तो उसके बाद भाई बात करते हैं OB38 की ईवो स्किन की, तो जो मैंने पहले बताया था कि ईवो G18, ईवो थॉम्पसन, ईवो AC80 OB38 में लॉन्च होगी, तो ईवो G18 का आप यहाँ पे लुक देखते हैं, कुछ डायमंड सा थीम है इसका जिसका नाम लिखा है क्रोम ड्रीम्स। तो उसके साथ भाई अपनी थॉम्पसन का जो लुक है उसका नाम आप देखते हैं 1, 2, 3 पे कैसा लुक है, उसका नाम है गार्गोयल, ईवो थॉम्पसन गार्गोयल, और उन दोनों के आप टोकन भी देखते हैं लेवल 1 से लेवल 7, 6, 7 जो भी इस तक आप देखते हैं, काफ़ी OP सी स्किन है, और वीडियो रिव्यू भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। उसके बाद वुड पैकर का इंक्यूबेटर हमें लग रहा है भाई, वुड पैकर का इंक्यूबेटर होगा जिसकी सिर्फ 3 स्किन हमें मिली है, चौथी स्किन नहीं मिली, तो हो सकता है वो भी जल्दी हमें देखने को मिले। उसके अलावा यहाँ पे OP भाई दो आपको दिखाई दे रही हैं गन अपना पिस्टल की स्किन, तो भाई ये मुझे लग रहा है ये दो OP जो
पिस्टल स्किन्स हैं, एक G18 के थीम पे होगी और एक जो अपना है वो डेजर्ट ईगल है उनके लिए होगी, और दोनों का नोक काफ़ी लंबी सी की गई, ये डिज़ाइन इसमें एक्स्ट्रा किया गया, और ये है डेविल मेक्स क्राई के थीम पे। तो काफ़ी ओपी सी आइटम्स है, ये कलेक्शन पार्ट टू था और मेगा लेक्स पार्ट फोर था। तो आप लोगों को जो भी इसमें चीज़ें कम है, मतलब मैंने बहुत सारी वेपन्स इसमें कम दिखाई दी हैं, बहुत से बंडल्स कम दिखाई दिए हैं जो कि मैं ऑलरेडी दूसरी वीडियो में दिखा चुका, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना अगर उसको नहीं देखा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग अल्लाह हाफिज़।